एक बिट्टू की शादी हुई थी, हमने कॉल किया था कि आपकी सुहागरात में कमरा हमने सजाया। हेलो बिट्टू बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। ये भैया अपना बेड सारा सही करा लो, पूरी रात आवाजें निकाले बेड। कौन बोल रहा है? फूल लगाए हमने तुम्हारी सुहागरात में, वो फूल लगाते लगाते मैं बेड के नीचे मेरी आंख लग गई। बोला फिर क्या? मैं सुबह उठा तो पूरी रात बेड के नीचे था। हाँ पूरी रात बेड के नीचे था, कभी मच्छर काट रहे थे कभी तुम उठा रहे थे। अबे तो तुझे कहा किसने था फूल लगाने के लिए? तुम्हारे पापा ने कहा था। पापा की? और मैं सही बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी में पहली बार आदमी ऐसा देखा जिसने अपने पापा को इतना बुरा भला कहा हो। सो एक दो प्रैंक कॉल मुझे इस तरह याद है क्योंकि प्रैंक कॉल का डिफरेंट मुझे जब वैरायटी मिलती है ना तो मैं सोचता रहता हूँ कि यार ये चीज़ कितनी अच्छी है या ये चीज़ कितनी अच्छी है। आई रिमेंबर मैंने एक आदमी को कॉल किया था। कई लोगों को लगता यह है कि अगर ब्लैंक कॉल है तो पता नहीं क्यों लोग समझते हैं कि लड़की छेड़ रहा है वो, ये लड़की से बात करना चाह रहा था। तो मैंने एक इंसान को फोन किया और जैसे उन्होंने हेलो कहा तो एक साइलेंस, फिर उसने कहा हेलो, मैंने कुछ नहीं बोला, फिर बोला हेलो, मैंने कुछ नहीं बोला, फिर वो शुरू हो गया, ये लड़की छेड़ते हो, एक और गंदी गंदी बातें कर रहा है, बेटे खंजर आर पार कर दूंगा, बता रहा हूं 3 साल पुलिस में जेल में रह चुका हूं, समझ गया तू? तेरी आवाज नहीं आ रही लेकिन घर में घुस के मारूंगा, बदमाश कहते हैं मेरे को इलाके का, समझ गया तू? फिर मैंने एक बार कहा, मैंने कहा हेलो, बोला आप बोला है तू? मैंने कहा प्रभाकर जी मैं तो विनोद बोल रहा हूँ, आपकी लड़की का रिश्ता लेके आए थे, आप मेरी आवाज वहां नहीं जा रही थी, आपकी सारी मेरे पास आ रही थी। बोला अच्छा मेरी सारी आवाजें सुन लिए थे आप? मैंने कहा एक सेकंड सर रुकिए जरा, मैं स्क्रिप्ट पूरी कर लूं। मैंने कहा स्क्रिप्ट? वो कल मेरा प्ले है ना, एक सेकंड सर मैं डायलॉग बोल लूं, खंजर आर पार कर देता हूं मैं। यू नो तो मुझे लोगों की फितरत भी पता चलती है कि कैसे कैसे मुर्गे में चेंज हो जाते हैं। बट गाइस थैंक यू सो मच, एंड अगर कभी ऐसा हो दिल्ली आए तो मिर्ची स्टूडियो जरूर आइएगा। हाँ आई एंजॉयड अ लॉट, सीरियसली बहुत मजा आया, एंड आई विल कीप कमिंग। थैंक यू सो मच। यस लिटिल टोकन।